हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार। सर स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइस मनी में जो NSDL पेमेंट बैंक के माध्यम से जो किट दिया जा रहा है, यानी ATM कार्ड दिया जा रहा है, कैसे हम इसका पिन जनरेट करेंगे, कैसे हम इसका जो है पिन बनाएंगे ऑनलाइन, जी हाँ दोस्तों, घर बैठे। या दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि NSDL पेमेंट बैंक का जो ये ATM है, ATM कार्ड, इसका कैसे आप घर बैठे पिन बनाएंगे, पिन जनरेट करेंगे आसानी से। जी हाँ दोस्तों, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का नए वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं और आप इसका लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका ऑनलाइन पिन जनरेट करके दिखाता हूँ कि कैसे आप भी घर बैठे इसका पिन जनरेट करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस नंबर पर कॉल कर लेना। यहाँ पर दोस्तों मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, जब इनको कॉल लगता है तो यहाँ पर ये डायरेक्टली आपको कीपैड खोल लेना। कीपैड खोलने के बाद यहाँ पर ये पूछते हैं हिंदी में बात करना या इंग्लिश, वो अपने आप अपना जो है भाषा चूज कर लें। तो मैं हिंदी के लिए वन प्रेस कर लेता हूँ दोस्तों। तो चलिए, मैं वन प्रेस जैसे कर लूँगा दोस्तों, तो अब इनका कहना रहता है कि आपके पास पहले से कोड वगैरह है या OTP वगैरह है NSDL पेमेंट बैंक के लिए, जो कि आप पिन जनरेट करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे, इसके लिए दो दबाएंगे। अगर है तो सॉरी, अगर नहीं है तो एक दबाएंगे, और है तो दो दबाएंगे। तो हम, मेरे पास जो है OTP नहीं है, कोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर एक दबाया था। जी हाँ दोस्तों, फिर यहाँ पर कंफर्म पूछता है कि आपको OTP चाहिए, तो यहाँ पर दो दबाइए। तो दो दबाने के बाद आपके पास एक OTP आ जाता है, जी हाँ दोस्तों, जो कि 6 डिजिट का होता है, जिसको आपको फिल करना होता है। इसी OTP को आप फिल करेंगे तब आगे का प्रोसेस होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस OTP को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर फिल होने के बाद मेरा आगे का प्रोसेस मांगेगा। तो जैसे ही OTP मैंने डाल लिया दोस्तों, तो ये कंफर्म कर लिया कि हाँ, जो मोबाइल नंबर है जिस का अकाउंट है, वो मोबाइल नंबर से लिंक है और उस पर ही पिन जनरेट करना है। तो OTP कंफर्म हो जाता है दोस्तों। OTP कंफर्म होने के बाद आपका ATM का लास्ट का 4 डिजिट मांगता है, वो आपको फिल कर लेना। एंड ATM का 4 डिजिट फिल होने के बाद दोस्तों, वो कंफर्म करता है। एंड कंफर्म करने के बाद आपको बोलता है कि 4 अंक का पिन जनरेट करिए। जी दोस्तों, जब 4 अंक का पिन जनरेट कर लेंगे तो फिर से कंफर्म पिन आपको जनरेट करने को बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कंफर्म पिन जनरेट कर लूँगा दोस्तों। उसके बाद आप आगे का जो है प्रोसेस यहाँ पर ही दोस्तों आसानी से आप कर सकते हैं। इस पर कोई पिन बनाने का कोई बड़ा झंझट नहीं है दोस्तों। आपका ATM का पहले डिटेल्स ले लिया जाता है कि जो भी आपके पास डिटेल्स है ATM का, जैसे कि आपका ATM का लास्ट का 4 डिजिट, आपका एक्सपायरी और आपका CVV जो कि पीछे ATM के पीछे रहता है, वो सारा चीज़ देने के बाद आप जब कंफर्म हो जाती है, तब यहाँ पर आपसे 4 अंक का जो है OTP मंगा जाता है, मतलब पिन बनाने को बोला जाता है, जो कि आप खुद से सेल्फ बनाएंगे। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया, यहाँ पर NSDL पेमेंट बैंक का जो है ATM का पिन बनाना काफ़ी आसान है। आप कस्टमर केयर को कॉल करके आसानी से पिन जनरेट कर सकते हैं और फिर ऑनलाइन आप इस ATM को कहीं भी किसी भी ATM में इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो भी लोग स्पाइस मनी का ID चला रहे हैं, उनको NSDL का किट चाहिए, तो आप हमारी टीम से बात करके इसे ऑर्डर करवा सकते हैं, जो कि आपके घर तक मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी ऑनलाइन की प्रोसेस, जहाँ पर आप जो भी खाता खोलते हैं उसका पिन जनरेट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ATM कार्ड चाहिए तो आप ये भी हमसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।